जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची मेन रोड के केन होटल में पहुंची है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लोक सेवा समिति द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस बैठक में महिला सशक्तिकरण, महिला को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं। आज इंटरनेशनल डे की पूर्व संध्या पर लोक सेवा समिति की ओर से आयोजित ये परिचर्चा थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं की भूमिका राष्ट्र के विकास में कैसी रही, इस पर एक परिचर्चा रखी है। हाँ, थोड़ी थोड़ा भेद है जरूर, लेकिन वो भी धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से दूर हो जाएगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य है कि सभी महिलाएं और सभी पुरुष शिक्षित हों। जैसे ही शिक्षा बढ़ेगी ये धीरे धीरे, ये तो दिन ये हम नहीं कह सकते हैं कुछ, लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि कहने वाली पर्ची अब महिलाओं के हाथ में आ जाए। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं, और शक्ति पर्व के उत्सव पर आज यहां आप सभी उपस्थित हैं एक परिचर्चा में, और यह परिचर्चा चलेगी आपकी लंबी। इसमें कई विद्वान हमारे यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं थोड़े से शब्दों में अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूँगी। आज का विषय है राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान। प्रत्येक विकसित समाज निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है, और भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के चहुमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए परिवार की धुरी, महिला का सशक्तिकरण जरूरी है, और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरी है। आज महिलाएं राजनीति, समाज सुधार, शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, व्यावसायिक प्रबंधन, शासन, प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, कला, संगीत, खेल कूद आदि के क्षेत्रों में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वी और संतों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेयी का नाम उल्लेखनीय है। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपने सुना कि डॉक्टर कामिनी कुमार ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, और हर क्षेत्र में पुरुष से ऊपर है महिला। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।